हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम छोटे बेबी के लिए बिब बनाएंगे। जो खाना खाते वक्त जो यूज़ कर सकते हैं वो हम बिब बनाएंगे। उसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है डबल फोल्ड में। इसके लिए इसका हम इस तरह से सर्कल में कट करेंगे। आप कोई भी डिश ले सकते हैं या इसे राउंड शेप देने के लिए, तो हम राउंड शेप में बना रहे हैं। इस तरह से हम इसको सर्कल में कट करेंगे। इस तरह से मैंने इसको सर्कल में, इस तरह से हमने इसे सर्कल शेप दिया है। अभी इसके अंदर हम इसे मोटा बनाने के लिए हम एक फैब्रिक और लेंगे और इसे इस तरह से रखेंगे। अब तीनों को हम सेम साइज में कट करेंगे। इस तरह से हमने इसे राउंड शेप में कट किया है तीनों को। अब हम एक साइड से इसे डबल फोल्ड करेंगे और इसे थोड़ा सा गोले में शेप देंगे। यहाँ से नेक के लिए हम यहाँ पे इस तरह से शेप देंगे, इसे कट करेंगे। इस तरह से हम इसे कट करेंगे। अब हम इसे सिलेंगे। सिलेंगे इसके लिए हम ये राइट साइड है मेन फैब्रिक का, इसके नीचे हमने मोटा बनाने के लिए एक कपड़ा यूज किया है और उसके नीचे हम ये दूसरा वाला पीस रखेंगे, ये रॉन्ग साइड और ये राइट साइड। तो ये रॉन्ग साइड के ऊपर हम ये इस तरह से इसे रखेंगे और इसे इस तरह से सिलाई देंगे। पहले हम इन्हें पिनअप कर लेंगे ताकि ये तीनों कपड़े जगह से ना हिले। इस तरह हम इन्हें पिनअप कर लेंगे, बाद में हम इसके किनारे सिलाई लगाएंगे।
स्लीव निकाल लेंगे इनकी। इस तरह से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम उससे कट कर लेंगे। अब इन्हें पाइपिंग लगाएंगे हम। पाइपिंग के लिए हम ये मैंने व्हाइट कलर के लिए इसे हम क्रॉस पट्टी निकालेंगे इसकी। यहाँ पे हमने क्रॉस पट्टी निकाली है 1.5 इंच चौड़ी। अब हम इसे ज्वाइन करेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से हम यहाँ पर हम 9 इंच यहाँ पे क्रॉस पट्टी छोड़ देंगे और यहाँ से सिलाई करेंगे। तो इसे हम पहले डबल फोल्ड करेंगे। यहाँ पे हम निशान लगाएंगे, 9 इंच का हमने निशान लगाया और इसे यहाँ से सिलाई देंगे। सिलाई देने के बाद इसे हम फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमने सिलाई लगाई और यहाँ पे सब हम जगह जितना गोलाई शेप है हम कट लगाएंगे थोड़ा थोड़ा। और ऊपर के लिए भी हम इसी तरह पाइपिंग ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ से हम इसको इस तरह सिलाई लगाएंगे। जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेंगे। और इसे भी हम गोले की तरफ कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद हम दूसरे साइड से इसे अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम इसे फोल्ड करके पहले हम नेक की तरफ इसे फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इस तरह से
फिर हमने इसको सिलाई लगा दी। ये जो हमने डोरी के लिए जो एक्स्ट्रा पट्टी रखी, इसे हम यहाँ से ऊपर की ओर से फोल्ड करेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसे इस तरह फोल्ड करके वापस इस तरह फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। इस तरह से तरह हम पूरी गोलाई को पाइपिंग की सिलाई लगाएंगे। लास्ट में हम इसे फोल्ड करेंगे। इस तरह से छोटे बच्चे के लिए बिप तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।